बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तौर पर मनाने का फैसला लिया था, तो वहीं मोदी सरकार का 30 मई को 8 साल कार्यकाल पूरा हो गया। रिपोर्ट टू नेशन नाम की किताब के जरिए बीजेपी आम जनता को सरकार के 8 साल कामकाज की रिपोर्ट सौंपेगी। इसी कड़ी में शुक्रवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन महानगर प्रभारी बाईपी सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले 10 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। योजना के लाभ पाने वाले लाभार्थियों को फूलमालाएँ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को महानगर प्रभारी वाईपी सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास विश्वास सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार ने 8 वर्ष में महिला किसान युवा अल्पसंख्यक व्यापारी हर वर्ग का ध्यान रखा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 8 साल की कार्यकाल में ये साबित किया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों की बदौलत देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफ अली सिंह, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर महामंत्री दिनेश सिंह सिसोदिया, श्याम बिहारी शर्मा, मीडिया प्रभारी राहुल शेट्टी आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के 8 साल इस देश में पूरे हुए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो देश के सामने उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरकार के माध्यम से हर साल जो हम काम करते हैं, सरकार जो काम करती है, उसका ब्यौरा देश के लोगों को देंगे। और इसीलिए आज का जो ये कार्यक्रम है वो रिपोर्ट टू दी नेशन है, जो हमारा जो एक पत्रक है इसके माध्यम से जो प्रमुख काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो पूरे देश में किए हैं, उसका ब्यौरा आज हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आज किया जा रहा है, उसी निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छा, क्या लगता है कितनी सफल सरकार रही है अब तक की? सरकार पूरी तरह से सफल रही है और मैं इस बात को इसके लिए भी कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे देश में जितने भी विभाग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अद्भुत सफलता हासिल की है। जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमारे हासिल हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी विदेश नीति की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, हमारे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिजली हमारे भरपूर व्यवस्था की जा रही है, यानी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, सीमा सुरक्षा हो, और चाहे हमारे श्रद्धा के सब केंद्र हों, आज देश के लोगों को लग रहा है कि आज पूरा देश एकजुट होकर संस्कृति को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं पत्रकार बंधु आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल भी बुना है, उद्योगों का भी जाल बुना है, और हमने स्किल्ड के माध्यम से हमारे लेबरर्स, हमारे मजदूर, हमारे अलग अलग तरह के विद्यार्थी, हम सब लोगों को स्किल्ड बनाकर उनको रोज़गार देने की भी बात कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम बड़े बड़े उद्योग लगाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज लखनऊ में हैं और लखनऊ में जाकर 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो उद्योगों में इन्वेस्टमेंट निवेश हो रहा है उसकी की ग्राउंड सेरेमनी हो रही है, उसका भूमि पूजन आज हो रहा है। और आप सब जानते हो कि जब उद्योग लगता है तो ना केवल उसमें लोग रोज़गार पाते हैं बल्कि बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी पाते हैं। और एक बड़ी बात भी आज पूरे देश में हो रही है, उसके शो भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज देश का नैरेटिव बदल रहा है, देश का परसेप्शन बदल रहा है, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी भारतवर्ष का परसेप्शन बदल रहा है। आज भारतवर्ष कोई लंगोटी लगाने वाला देश नहीं रहा, आज भारतवर्ष कोई भ्रष्टाचारियों का देश नहीं रहा, आज भारतवर्ष कोई पिछड़ा देश नहीं रहा है, आज भारतवर्ष कदम ताल चल के बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों को भी मात देने का काम कर रहा है। हमारी शुचिता, हमारी डिजिटलाइजेशन, हम लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर काबू पाया है, जिस तरह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सड़कों के मामले में हम दुनिया के नंबर 2 देश हो गए, हम अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, 4थे पर आने वाले हैं, और वो भी दिन दूर नहीं है जब 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की होगी। हमारी विदेश नीति को विश्व के कोने कोने से
हमारे विरोधी देश भी आज तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा क्वाड का एक सम्मेलन हुआ, किस तरह से चीन के विरोध में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, सब लोगों ने चीन को घेरा, भारतवर्ष ने भी घेरा। जो विस्तारवादी नीति देश लोग चल रहे हैं उनको हम घेर रहे हैं, जो हमारे विरोधी देश हैं, जो हमारा भारतवर्ष का बढ़ता हुआ प्रतिनिधि जिसको फूटी आँख नहीं बहाता, हम उन लोगों के नाक में नकेल डालने का काम करने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रसिद्धि पा रहे हैं अपने कामों से, हम प्रसिद्धि पा रहे हैं अपने देश को मजबूत करने से, हम प्रसिद्धि पा रहे हैं